महर्षि मार्कंडेय सुश्रुत सेवा संस्थान ने उठाई दो कन्याओं के विवाह की जिम्मेदारी। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हसबेंड स्कूल कैंपस, अजमेर। महर्षि मार्कंडेय सुश्रुत सेवा संस्थान जयपुर की ओर से समाज सेवा कार्य के तहत दो बालिकाओं के विवाह के लिए सामग्री भेंट करने के साथ ही मदद की गई। संस्थान के अध्यक्ष नीतेश कुमार शर्मा व सचिव भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि संस्थान की ओर से जरूरतमंदों के लिए सेवा सहित कई जागरूकता के कार्य किए जा रहे हैं। इस परिवार ने संस्थान से संपर्क कर अपनी आर्थिक स्थिति व बालिकाओं के विवाह संबंधित बात बताई, जिस पर संस्थान ने बर्तन कपड़े सहित वैवाहिक सामग्री भेंट की। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार शर्मा है और मैं संस्था में संस्थापक लोग कहते हैं, वरना संस्था में एक कार्यकर्ता और संस्था में एक व्यवस्था को देखते हुए सेवा कार्य में निरंतर कार्य कर रहा हूँ। आज जो सेवा कर रहे हैं क्या है और किसके लिए कर रहे हैं? आज जो सेवा है, जो व्यवस्था है, जो लड़कियों की शादी के लिए व्यवस्था की गई है, वो एक समाज में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए बहुत प्रकार से एक परिवार, एक माता पिता बड़ी चिंता और व्यवस्था को देखते हुए सोचकर वो कार्य की व्यवस्था करते हैं। और आज जो हमने कार्य किया है या हम जो व्यवस्था कर रहे हैं संस्था की तरफ से, जो हम कुछ किसी गरीब परिवार की मदद करना चाहते हैं, वो दो लड़कियों के विवाह का विषय है। और इस विषय में संस्था ने स्वयं के द्वारा और अन्य मदद के बहुत सारे हाथों के द्वारा ये कार्य किया है। और इसमें जो दो बालिकाएं हैं गरीब परिवार से जो जुड़ी हुई हैं, उनके अलमारी और बहुत सारी जो सामग्रियां हैं उनके विवाह की व्यवस्था की गई है। सर, क्या उद्देश्य अपने संस्था का? संस्था के उद्देश्य तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्था हर उद्देश्य को महत्वपूर्ण किस स्थिति पे मानती है देखा ये जाता है। हमारी संस्था तो जहाँ समाज का जो नैतिक कार्य होता है या वैदिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ कार्य होता है, जैसा कि हमारी संस्था का नाम है महर्षि मार्कंडेय सुश्रुत सेवा संस्थान, तो महर्षि मार्कंडेय सुश्रुत सेवा संस्थान पूर्णतः सनातन व्यवस्था पर टिका हुआ है। महर्षि अर्थात ऋषि संप्रदाय, मार्कंडेय स्वयं मार्कंड ऋषि के पुत्र थे, तो मार्कंडेय ऋषि स्वयं हैं जिन्होंने दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण की रचना की। सुश्रुत ऋषि जो थे वो चरक संहिता के ज्ञाता थे, जिनने शल्य क्रिया की जो व्यवस्था चालू की थी काष्ट की लकड़ियों से। तो महर्षि, हमारा जो संस्थान है वो सनातन धर्म को देखते हुए, विभिन्नता में एकता को देखते हुए और वैदिक काल की व्यवस्थाओं को जीवंत रखते हुए और जो हमारी शल्य क्रिया चिकित्सा पद्धति है उसको आगे बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। जैसे कि अब वैदिक काल के हिसाब से देखा जाए तो जमीन में अपने अनाज जो व्यवस्था होती है, इसमें कृषि क्षेत्र में और चिकित्सा क्षेत्र में और अध्ययन के पाठ्य पुस्तक सामग्री वितरण क्षेत्र में और कई धार्मिक व्यवस्थाओं के क्षेत्र में और आगे कई ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं जिनको अब जैसे एक नया हमारा प्रकल्प उठा है दो बच्ची गरीब बच्चियों की विवाह के लिए, जो ये कोरोना का भयावह काल था, इसमें कोरोना काल में जो परिवार अपनी बच्चियों का विवाह का संबंध कर चुका था वो टूटने की कगार पे था, जिस स्थिति में संस्था के पास वो निवेदन आया, तो हमने तो इसको ये समझा कि ठाकुर जी ने हमें एक मौका दिया है कि किसी की ज़िंदगी बच जाए। नमस्कार जी, मायसेल्फ डॉक्टर शिवराज और हम ये जो है तो ज़रूरतमंद परिवार की दो बच्चियों की शादी के लिए ये हम कुछ सहायता कर रहे हैं। उन लोगों ने हमसे सहायता की गुहार लगाई कि हम उनकी बच्चियों की शादियों में कुछ ज़रूरी चीज़ें हम अवेलेबल कराए, जैसे खाने की कुछ चीज़ें हैं या जो रूटीन घर में आने वाली चीज़ें हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि उन लोगों ने हमें सेवा करने का हमारी संस्था को मौका दिया है। और हमने काफ़ी सारे लोगों की मदद से हम इस संस्था के काम को करा है, जो आप देख रहे हो, जो हमने व्यवस्था करी है आप देख पा रहे हो आराम से। और
हमारी संस्था जो है वो चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में और एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती आ रही है। और ये जो शादी में इस तरह की आर्थिक इनकी जो हम सहायता कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि अभी जो कोरोना काल बड़ा विकट ही समय है, इसमें लोगों को अपनी इस तरह से उनकी घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है कि उनको खाने का भी चीज़ें जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो भी उनको अवेलेबल नहीं हो रही है। तो ऐसे टाइम में शादी में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है वो उनके लिए कर पाना भी बड़ी मुश्किल है। और हम इस संस्था को बड़ा वो शुक्रगुजार करते हैं कि हमने और हमारे साथी लोगों ने इस कार्य में बहुत ही सराहनीय योगदान दिया, ताकि हम उन लोगों की मदद कर सके। ये हम उनकी एक मदद कर रहे हैं, इसका किसी भी तरीके से देह से कोई संबंध नहीं है। हम जैसे खाने पीने की चीज़ें या वही चीज़ें हमने दी है जो ज़रूरी रूटीन लाइफ में काम आती है, वही चीज़ें दी हैं। सर, आपकी संस्था कितने समय से काम कर रही है? सर, हमारी संस्था 3 साल से काम कर रही है। बेसिकली जो हमारी संस्था है वो जयपुर में काम करती है, एंड पिछले कुछ 1 साल से है अपने अजमेर में काम कर रही है। सर, क्या नाम है संस्था का? सर, हमारी संस्था जो है मैर्सी मार्कंडे सुश्रुत सेवा संस्था के नाम से है। सर, मायसेल्फ डॉक्टर शिवराज प्रजापत एंड एट ए टाइम में गाइड हिंदुस्तान जिंक वेदांता में एज ए कंसल्टेंट की पोस्ट पे हूँ। जो आपको ये सामान दे रहे हो, इसका क्या उद्देश्य होता है? सामान देने का ये उद्देश्य है कि इस समय कोरोना के बाद में लोगों की आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लोगों के पास में काम नहीं है कमाने के लिए, तो उसके खाने को कुछ नहीं मिल पाता था। ऐसे ही हमें एक परिवार के बारे में मालूम हुआ, जानकारी हुई, है ना, उन्होंने हमसे गुहार लगाई और उन्होंने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है और 2 बच्चियाँ हैं, उनकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं पर उनके पास में कुछ भी नहीं है उनकी शादी कराने के लिए। तो उन्होंने संस्था को बताया, तो संस्था के जो सदस्य हैं उन सब ने मिलकर के उस परिवार के लिए ये जो आप सामान देख रहे हैं वो सब लोग इकट्ठा करने की कोशिश इकट्ठा किया और उन्हें दे रहे हैं। और इस सब चीज़ों को गुप्त रूप से उन दिया जा रहा है, इसका कोई भी प्रचार प्रसार नहीं है, ताकि गरीब की मदद हो सके, गरीब का प्रचार प्रसार नहीं हो सके। कौन सी संस्था है? हमारी संस्था मर्सी मार्कंडे सुश्रुत सेवा संस्थान के नाम से है, जो कि जयपुर में मेन कार्य करती है और वहाँ से लगभग राजस्थान के सभी क्षेत्रों में काम करती है। और इससे पहले हमारी जो संस्था है उस पर्यावरण, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि क्षेत्र में, है ना, कृषि क्षेत्र में काफ़ी काम कर चुकी है। आपको बताइए जी, मैं संस्थान सचिव भूपेंद्र चौधरी।